दिग्विजय चौटाला सिरसा के जाट धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं दिग्विजय चौटाला ने इस मौके पर 13 मार्च को अजय चौटाला के जन्मदिन के अवसर पर इसराना में जजपा की रैली के लिए भी सिरसा के लोगों को निमंत्रण दिया है। वहीं इस दौरान जजपा नेता और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि अभय चौटाला जजपा की चिंता करने की बजाय अपने इनेलो पार्टी की चिंता करें। लगातार इनेलो धूमिल हो रही है। उन्होंने अभय चौटाला के जजपा नेताओं को देवीलाल की फोटो हटाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देवीलाल की फोटो लगाने की अनुमति अभय चौटाला से नहीं चाहिए। भूल से अगर अभय चौटाला की फोटो कहीं लगी हो तो वे अभय चौटाला की फोटो जरूर हटा देंगे। वहीं इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जींद और कैथल की हार से बौखला चुके हैं। उनकी रही सही कसर आने वाले दिनों में हम निकाल देंगे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों द्वारा जल्द सरकार के गिरने के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का काम विरोध करने का है। आज आदरणीय सरदार निशान सिंह जी की अगुवाई में हम जिला सिरसा के सभी कार्यकर्ता जाट धर्मशाला के भव्य प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह जी के जन्मदिवस पर पूरे हरियाणा प्रदेश की युवा रैली का आयोजन इसराना में किया जा रहा है। उसका निमंत्रण देने के लिए जिला सिरसा के लोगों को सरदार निशान सिंह जी आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार की युवा रैली हरियाणा के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। ये सरकार मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है। एक सामन्वय समिति दोनों पार्टियों के नेताओं की बनी हुई है। बजट या कोई भी फैसला दोनों पार्टियों के लोग मिलजुल करके तय करते हैं। दोनों पार्टियों के लोगों को सुझाव को सम्मिलित कर करके तय किए जाते हैं और उसी हिसाब से ये बजट पेश किया गया है। इस बजट के बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। किसान, गरीब और मजदूर के लिए, युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिसी इस बार की सरकार लेकर के आई है, हम उसको सलाम करते हैं। हम जो जननायक जनता पार्टी के लोग हैं, इस सरकार के हिस्सेदार हैं, हम इस विपक्ष से ये खुली चुनौती देकर के बहस करने को तैयार हैं कि जो भी पॉलिसीज ड्राफ्ट इस सरकार के 100 दिनों में हुई, क्या पूर्व में रही वो सरकारों से बेहतर है या नहीं है। जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं उस पर भी हम पब्लिक डोमेन में आकर मीडिया के सामने, हरियाणा की जनता के सामने, हरियाणा के किसी कोने में भी बहस करने को तैयार हैं, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्यों ना हो। मैंने कहा कि हम पब्लिक डोमेन में, ओपन प्लेटफॉर्म पर, कहीं वो हमें बुलाएं वहां जाकर उनके सामने उपलब्धियां गिनवाने, दिखाने और उसका बखान करने को तैयार हैं। रणदीप सुरजेवाला पिछले 2 चुनावों में, जींद के बाई इलेक्शन में और कैथल की बुरी हार से बहुत बौखलाए हुए हैं। मैंने बड़े खुले तौर पर कहा, और मुझे नहीं पता वो ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी की और चौटाला साहब की और अजय सिंह जी की तस्वीर लगाने का सर्टिफिकेट मेरी पार्टी के लोगों को अभय सिंह जी से नहीं चाहिए। हाँ, कहीं भूल चूक से उनकी कोई फ़ोटो रही हो और वो उसको हटवाना चाहते हैं तो उसको हम हटा देंगे। चौधरी देवीलाल की फ़ोटो कितने लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसी है, कहाँ कहाँ से अभय सिंह हटवाएंगे और कहाँ कहाँ लगवाएंगे, इसलिए उनको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, अभय सिंह जी को अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए, इनेलो की चिंता करनी चाहिए जो दिन प्रतिदिन जो है अब धूमिल होते जा रहे हैं।